अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। और आप सबको हमारी तरफ से समीना और मेरी तरफ से रमजान मुबारक। तो आज पहला रोजा है और इफ्तार बिल्कुल आ जाओ, तो इफ्तार करेंगे आप लोगों से, शेयर करेंगे हमारी रूटीन। पाँव भी हंसते हैं समीना का, तो अल्लाह का शुक्र है। कल से ना मतलब के 3 दिन गुजर गए हैं, 3-4 दिन, तो अब पाँव अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब के चलने के काबिल हो गया है। पहले तो ऐसे था कि बस बेड पर ही रहना पड़ता था। ध्यान से मैं अनफा को लेके आता हूँ, ठीक है? तो मैं ना अनफा को देखता हूँ, अनफा ना सोई हुई है इस टाइम ना। तो माशाल्लाह बड़ी रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है और उस महीने का पहला दिन है। तो चलिए अनफा को मैंने पकड़ लिया, अनफा सोई हुई है, नीचे जाते हैं। तो नीचे जाके तैयारी श्यारी करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं फिर, ठीक है? तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर प्याज काटा जा रहा है, आलू मैंने काट लिए हैं, आलू काट लिए हैं, बाकी अम्मी ने चीजें तैयार की हैं। देखें कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, अनमोल यहाँ पर अपने कपड़े इस्त्री कर रही है। असल में वो इस्त्री नहीं कर रही, इसलिए उसको जमीन पर बिठाया हुआ, इसको शौक था। क्या खाना आपने इस टाइम? मैंने क्या खाना है? मैंने खाना है समोसे, रोल, पकोड़े, दही भल्ले, चाट, सैंडविच, खजूरे, पानी। पूरे साल में जो आपने डाइटिंग की है ना, वहाँ ज़्यादा नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए अनफा उठ गई है माशाल्लाह। अनफा ठीक हुआ? अभी यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी हो रही है, मैं तो बैठ के कर रही हूँ मेरे पाँव की वजह से। फिर मोम ना भाभी आएंगी, वो भी करेंगी साथ में, सब मिलके फिर बनाएंगे तैयारी आज की इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मरियम सिस्टर ने पकड़ लिया अनफा को। अब ऐसा कि कुछ सामान रह गया था वो मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे ये वाला प्याज मैंने काट लिया पकोड़ों के लिए, ये मैंने पालक काट ली है, और अब यहाँ पे प्याज कटने लगा है दही बूंदी के लिए। साथ में यहाँ पे जो है सैंडविच के लिए चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। इधर बनेगा बेसन, बेसन में डलेंगे पकोड़े, साथ में आलू, और इधर हूँ मैं। अब मैं काट रही हूँ फ्राइज के लिए आलू, और बाकी जो है ना चीज़ें बस काट ली है मैंने। अब मोमना भाभी आती हैं क्योंकि वो बिजी थी, अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, है ना, एडिट कर रही थी, बाद में फिर हम लोग मिलके करते हैं। अभी मैं फ्राइज पड़े हैं ना इतने, हाँ बहुत, बस ये कितने आलू हैं? 3। अच्छा 3 बड़े आलू हैं, और काट लूँ? हैं और, हाँ और काट लो, कम है। तो उसके बाद ही हम रेडी करते हैं सैंडविच, और साथ में हम लोगों ने बना रहे हैं समोसे और रोल भी, बड़ा कुछ बनने वाला है। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी। यहाँ पे मोमना भाभी काट रही हैं यहाँ पे ब्रेड के लिए। यहाँ पे जी बिलाल आ चुके हैं, पट्टी का पानी भी ले आया, मैं आया हूँ साथ स्टोर था वो, हाँ क्योंकि ये मेरी पट्टी गीली होके उतरनी है ना थोड़ी देर बाद। हाँ क्रीम भी ले आया हूँ। चले ठीक है, नहीं ले आए क्रीम, ऊपर पड़ी तो थी, वो एक काम की रेसिपी बननी है। चलो ठीक है, ये क्रीम भी आ गई है, क्रीम चाट बनानी है, क्रीम चाट भी बनानी है सिंपल वाली भी, सही है ना। बिलाल ने आइडिया दिया, दो बनाओ, ये रोल और समोसों का सामान है। अभी से मिक्सचर रेडी हो रहा है किसका, सैंडविच का। चले मरियम बाजी की तबीयत सही नहीं है जरा, जल्दी जल्दी काम चला। हाँ और ये सारा कटिंग वाला काम आज मैंने किया बड़ी मुश्किल से। जो ये वीडियो लड़के देख रहे हैं ना, आप बताएं, ये लड़कियों का ना एक मसला होता है कि चीज मैं बाहर गया हूँ लेने, आपका घर वापस आया ना, ये फलानी चीज खत्म थी, ये भी ले आते। मम्मी ने कहा, हमने नहीं कहा, नहीं मरियम सिस्टर ने कहा ना, मायने खत्म हो गया, मैं आपको ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता हो अक्सर आप सबके साथ, वाकई होता है, आज भी रोजे में जाना पड़ता है बार बार। और ये जी पकौड़ों की हम काट लेते हैं फटाफट पालक, यहाँ पर मेहनत हो रही है रोजेदारों के लिए, और नीचे देखे पाँव खराब है। चले अब क्या करना है? क्या अब बड़ा कुछ रहता है इसमें, मसाले डालो, मसाले डाल दो, काट पे रही हूँ ना, फिर आप मसाले डाल, दही भी रेडी हुई, सिर्फ बूंदियाँ रेडी हुई है। चलें जी, मतलब के जो बड़े बड़े काम थे ना लंबे लंबे वो हो गए हैं, बस यहाँ कटिंग हो रही है, ये रह गई है बड़ा काम, बाकी मिक्सिंग करनी है, एक काम आपके जिम्मे हमने लगाना है, फ्रूट काटना। चले ठीक है, मैं काटता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है, हर साल काटता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे अम्मी ने बच्चे संभाले हैं 3 लोग। हाँ चले देखते हैं बाहर जा, तो इन फ्रूट्स की चाट बनाते हैं। हाँ टेबल पर बैठता हूँ मैं, और यहाँ पर देखें आपी सबकी, अनमोल आपी सारे बच्चों को लेके बैठी हुई, अनमोल आपी ही, अनफा भी आजियान भी है, साथ पढ़ाई भी कर रही है, पढ़ाई नहीं तस्वीर पढ़ रही है, ये
तो यहाँ पर देखें सबकी आपी मोल आपी सारे बच्चों को लेके बैठी हुई है, ठीक है, है? रोजा नहीं रखा आपी ने, कहाँ रखा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से रोजा नहीं होता बच्चे, रोजा बड़े होकर रखेंगे है ना, अभी आप छोटी हो, दो साल बाद रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी यहाँ देखें बर्तन वाश हो रहे हैं, चलो जी जल्दी जल्दी बनाओ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच, रेडी होने वाले हैं बस। चलो जी ये तो बिल्कुल, तो बस अब मैं चाट रेडी करता हूँ क्योंकि काफी कम टाइम रह गया है, तो ये बड़ा लंबा काम है, ये तो बड़ा वजनी है। नहीं चाट हमेशा लास्ट में रेडी करते हैं, मतलब कि फ्रूट्स जो होते हैं ना ब्लैक हो जाते हैं, मतलब कि इतनी इतनी लास्ट में नहीं, तकरीबन एक दो घंटे पहले ही, मुझे पता है जी। पीना क्या पानी? शरबत नहीं पीते हम, आर्टिफिशियल शुगर से बनी चीजें नहीं खानी, ना बोतल ना शरबत ना दूध सोडा, चाय भी गलत है, चीनी डाल ली। जामिश्री पड़ा हुआ है वो, तो जिसने पीना पी ले, मैं नहीं पीना। जग भी आया हुआ है उसको भी यूज करना है। चलो ठीक है बनाते हैं, बस एक शरबत के जितना जग बना लेते हैं। सही सही। ये क्या चलें जी कहाँ तक पहुँचा काम, ओ जोर लग रहे हैं बड़े बाजुओं से। आज समीना खुद कह रही मैं दही बूंदी की दही बनाऊंगी, मैंने कहा चलो बनाओ, दही बहुत ज्यादा खट्टी है, सहरी में लस्सी इतनी खट्टी बनी थी, मैं गला खराब। चीनी डाल लो फिर, नहीं चीनी मीठा दही में लिखो, दही को नॉर्मल कर ले, मीठे भी खाते हैं लोग, हो जाएगा हो जाएगा। चलो नॉर्मल कैसे होगा फिर, इसको वो कर लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मलाई, नमक और थोड़ी सी। क्या बात है, टिप देख लें समीना की, आप अगर आपकी दही खट्टी हो उसमें दूध डालें, बलाई डालें और नमक डालें थोड़ा सा, और इसको अच्छे से फेंट लें। ओह मैं दही भल्ले इसलिए अच्छे बना रही हूं क्योंकि आपको पसंद है। वाह माशाल्लाह, देखो कैसे बनते हैं, बहुत शुक्रिया। वरना भी बनाना था मुझे, तो चाट भी पसंद है, फिर वो भी बनाओ, जाके फ्रूट काटो। अच्छा ये भी डाल दो क्या, ये ग्रीन चटनी भी डाल दो। चलो जी यहाँ पर ये काम हो रहा है, मैं जाके फ्रूट्स की कटिंग करता हूँ। चलो जी इन फ्रूट्स को हम वाश करते हैं पहले, वाश कर लेते हैं, वाश हो रहे हैं फ्रूट अच्छे से। अच्छा कमेंट करके बताएं किन किन के घरों में फ्रूट चाट मर्द बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने ना तैयार कर लिया है दही, दही भल्लों के लिए, और ये देखें यहाँ पे बिलाल, जल्दी करें टाइम नहीं है इतना, जल्दी जल्दी फ्रूट पर। चलो जी सारे जो नए बर्तन आए हैं ना, जो मरियम बाजी लेके आई हैं, है ना मरियम बाजी, वो वाले हम धो रहे हैं, मतलब मैं नहीं धो रही, मरियम बाजी ही धो रही हैं। यहाँ पे देखे बहुत प्यारे हैं वैसे। बिलाल जी कितना हो गया, एक और छुरी पकड़ा देते हैं। इस टाइम देखे हम लोगों ने क्या हालात बना दिए, किचन के स्पीडो स्पीड लगे हुए हैं ना। सवा छह रोजा खुलना है, सवा छह और हमारे पास आधा घंटा है, क्योंकि फ्राइज भी हैं, रोल और समोसे भी हैं, और साथ में हमारे पास ये भी है। काफी ज्यादा है ना, हाँ पहला रोजा था ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती पहले रोजे, मुश्किल होता है। क्या कह रही हो, क्या कह रही है, आ जाएगी पूरी? हाँ नहीं नहीं क्रीम चाट छोटी बनेगी, दूसरी वाली ज्यादा इसमें बनाएंगे ना, बड़ी वाली क्रीम चाट वो है इसमें रेडी कर रहे हैं क्रीम चाट के लिए क्रीम, क्योंकि क्रीम चाट जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं बननी, जो दूसरी चाट है ना ये वाली हमने ज्यादा बनानी है, क्योंकि वो सब ज्यादा खाते हैं, क्रीम वाली जो है ना हैवी हो जाती है। उतनी देर में मैं ये धो लेती हूँ जिसके अंदर मैंने फ्राइज रखनी है और समोसे रखने हैं और पकौड़े जो मैंने द्रास से मंगवाया था, देखिएगा टेबल पर जाके कैसा लगता है। मम्मी भाभी को कैसे लगे ये, अच्छे लगे ना, प्यारे हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ये मंगवाएं ज़रूर, लेकिन जब मैं आपको टेबल पर रख के दिखाऊंगी। यहाँ पे जी दोनों चाट जो है ना वो रेडी हो रही हैं, ये तो बहुत ही रंगीन लग रही है, मतलब कलरफुल लग रही है, ये रंगीन चाट बनाता हूं मैं हर साल। और यहाँ पे ये वाली है अवेलेबल होते हैं सारे डालते हैं, क्रीम चाट है, सही है ना, पहले रोजे में मम्मी आई है तो जल्दी हुआ काम, क्योंकि आप आराम आराम से करी जा रहे थे, दो बंदे मैंने किया, अम्मी ने बस वो किया है अनार खिला, क्योंकि वो मुश्किल काम था, मुश्किल काम था, ये तो मैं इजीली कर रहा हूँ। बस अब हम फ्राई करना शुरू करें चीजें, आप करो, मैं बस ये केले रह गए हैं, इस केलों को भी डालते हैं बाद में।
चलो सही है, अब बारी है फ्राई करने की। और अब जो है ना, आज ही मम्मी ना अभी आ जाओ, जल्दी करो, ये रोजा खुल जाए, हम फ्राई करते रहे। मेरा पाँव भी बचा बचा के चलना आप सबने, ये ना वो इधर ही काम तमाम हो जाए मेरा। तो यहाँ पर अभी पकोड़े भी रहते हैं, समोसे रोल भी रहते हैं, और ये दही भी डालनी है, बड़ा कुछ रहता है वहाँ पे। और यहाँ पर चाट भी रहती है, और इफ्तार का वक्त होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। देखते हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ हो पाता है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पर खट्टी मीठी चाट भी रेडी है, और ये क्रीम चाट भी रेडी है। उसकी तो होनी होनी थी, क्योंकि खरबूजा वगैरह सब कुछ है। चले जी, चाट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो काम मैंने किया ना वो कंप्लीट है वक्त से पहले। अभी अभी इनका ऑयल, अभी इनका ऑयल गर्म नहीं हुआ, मैंने पहले मिक्स कर दिया। मसाले तो हर बंदा अपने हिसाब से। यहाँ पे जी आराम से हाई फ्लेम पे तो हो नहीं सकते, लो फ्लेम पे ताकि पापड़ बनेंगे सॉफ्ट ना हो। चलें जी, यहाँ पर बर्तन लगना शुरू हो गए हैं। चलें जी, बर्तन लगाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनमोल भी काम कर रही है, हमारा काम आसान कर रही है, साफ कर रही है, खुश कर रही है। इसको सही सही। अच्छा, ये मॉल इसलिए खा रही क्योंकि मॉल को ये पसंद बहुत आया है। ये मैंने मॉल के लिए लाई, इसमें मैं फ्राइज रखूंगी, ठीक है, और इसके अंदर समोसे रोल और सैंडविच। अनमोल तो बड़ी नेक लग रही है, दुपट्टा लेके सर पे ऐसे, माशाल्लाह। किसने करवाया ये? मम्मा ने। आप नमाज भी पढ़ती हो ना? हाँ। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखे शरबत बन रहा है, न्यू जग में मुझे जाग की शरबत लग रहा था दूर से, संदल का ऐसा लग रहा था, संदल का शरबत तैयार है। मैं रखने लगी हूँ ये। चलो जी, समोसे भी तैयार हो गए हैं। हाँ। चले जी, अब मैं लेके आती हूँ ये। ये रखते हैं सबसे पहले, ये भी यहाँ पे नहीं था। कैसा लग रहा है? ये ले जी, अब चाट मसाला डाल के इसको फाइनली मिक्स करते हैं। साथ इसमें डालते हैं इमली की चटनी। चटनी नहीं, क्यूब्स। क्यूब्स है, लेकिन अभी बिल्कुल चटनी बन गए हुए हैं। तो अब इसको इसी तरह डाल देते हैं, कोई बात नहीं, अब क्योंकि जल्दी है, कल से सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बनी है चाट। चले हम ना, अभी रुके, आ जाओ। चाट्स आ रही हैं। चाट्स ये बनाई है बिलाल ने, और अम्मी ने भी जी। ये कैसे लग रहे हैं? ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये ले जी, अब मैं डालने लगी, अब डलेगा जी साथ में प्याज, बिस्मिल्लाह। और ये मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ही रख दूं, क्योंकि इसको किसी बाउल में ना डालूं। हाँ, इसी में रहने दो, क्योंकि ये ज्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर। और इमली की चटनी बहुत मजे की लग रही है मुझे देखने से, लेकिन थोड़ी है, ज्यादा नहीं चाहिए। चलो जी, मैं भी कुछ ले आया हूँ। यहाँ पे पकौड़ों को आ रहा है कलर, उसको हम निकालेंगे इसके अंदर, और बस फिर रोजा खोलेंगे। चलो अब जिसको निकालने लगे हैं पकौड़े, और फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया पूरा। बात है, बहुत प्यारे पकौड़े बनाए हैं। आप लोग भी ये ऑर्डर कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कैसे रोल मजे? और मोमना भाभी आपको कैसे लगे? टेस्ट करके देखे अम्मी, मजेदार। ये करते हैं टेस्ट। जान को भी दे दो कुछ, जान को फ्राइज दे दो, मैंने बनाई है।
अनफा ने क्या खाना है? अनफा से भी तो पूछ लो। अनफा ने दूध पीना है। मैं चीख किसने मारी है? जी अली भाई भी अब आ चुके हैं और रोजा खुल गया। आपका रास्ते में खुला है? आ जाए जल्दी से, टाइम है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी आपको बिलाल नहीं नजर आए नमाज पढ़ने गए हैं? अभी सर्व कर रही है अली भाई को, इनका रोजा रास्ते में ही खुला है, लेकिन सब कुछ अभी पड़ा हुआ है, फ्रेश और मोमना फ्रेश। नमाज पढ़ के आते फिर आके दही दूंगी, वो चाटे खाते हैं। हाँ, और फ्रेश मोमना भाभी ने बनाए न्यू पकौड़े। नमाज पढ़ के आ गई है अली भाई, नमाज पढ़ने चले गए हैं मैं और अनमोल, और मैं पढ़ के आ गई, और बिलाल पढ़ के आ गए हैं, अम्मी भी पढ़ के आ गई हैं, मोमना ऑफिस से आया ना, अभी आ गए हैं ना, पहले वो नमाज पढ़ने, चलो ठीक है, आके वो पहले नमाज पढ़ने चले गए ना थोड़ा सा खा के। जी हम लोग ऊपर आ चुके हुए हैं क्योंकि हम सब लोग बैठ के अली भाई मोमना भाभी सब लोग बहुत बातें कर रहे थे, माशाल्लाह बड़ा मजा आया, और काफी टाइम के बाद हम लोग सब ऐसे इकट्ठे बैठे हुए थे। तो चले, अब ऐसा है कि समीना थक गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस हालत में उसने इतना काम किया, और चले कोई बात नहीं, ठीक है, नेकियां मिलेंगी, नेकियों का महीना है, नेकियों का महीना है, क्योंकि मेरा पांव जो है ना दुखने लग गया। चले अब मैं इसके बाद समीना की पट्टी चेंज करूंगा, और चले सबसे मुश्किल हिस्सा है क्योंकि जख्म को देखना, अल्लाह अल्लाह बहुत मुश्किल है। अब ऐसा है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते कि लाइफ विद बिलाल नाम है, अक्सर लड़कियां कहती हैं हम लोग इसलिए नहीं करते कि बिलाल का नाम है। बात ये है कि वो अब पहले से नाम है ना, उसको चेंज करेंगे ना, वो टिक जो है वेरिफिकेशन उसका मेरे मसले होते हैं, चेंज नहीं करना, लेकिन आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। चलें बस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।